2014 को बहुत लड़ने के बाद में हमें नागरिकता दी गई। अगर हमें 2014 में नागरिकता मिलती है तो हम कहाँ से लाएंगे 50, 70, 60, 2000 के का डॉक्यूमेंट? कि ऐसा संभव नहीं है कि आप बहुत अपने आप की ये सिलसिला शुरू हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ये सीए तो वापस होगा। धर्म के नाम पर कोई भी कानून इस देश के अंदर नहीं बनेगा। संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। मगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि जब तक हम इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जब तक हमारी राजनीतिक रोटी सिकती नहीं है, तुम राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में इंसानियत को मारना चाहते हैं। दिल्ली में इंसानियत को मारा गया, 50 लोगों का मर्डर हुआ, 50 लोगों को मारा गया। कौन था वो लोग? उनका कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष लोग थे। वो ड्राइवर था, कोई ऑटो का ड्राइवर था, कोई अपना मजदूर था, उनका क्या दोष था? कोई आदमी, हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। हम शांति से बैठे हैं ना, हम शांति से बैठे हैं ना। जहां भी देश के अंदर साइन बोर्ड बनाया गया, सब शांति से अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। मगर कुछ चंद लोग आते हैं, कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, मगर सरकार कुछ नहीं करती है, पुलिस कुछ नहीं करती है, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमको जेल में डालने का काम करते हैं, एनएसए लगाने का काम करते हैं। क्या इस देश के अंदर दोहरा कानून चलेगा? क्या इस देश के अंदर दोहरा कानून चलेगा? ये लोग बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे भी और बोलने भी नहीं देंगे। ये तो चलने वाला नहीं है, ये तो चलने वाला भी नहीं है। आज देश का संविधान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, इसलिए लोग आए हैं। प्रकाश अम्बेडकर जी इसलिए महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने आग्रह किया है पूरे देश में जाने का, पूरे देश में जाकर बताने का कि संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है। अगर संविधान सुरक्षित नहीं है तो कैसे बनेंगे? मैं जो बना हूं, जो कोट पहन रखा है वो कैसे पहना? वो संविधान की वजह से पहना, क्योंकि संविधान में मुझे शिक्षा का अधिकार है तो मैं बना वकील। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो बन पाता? नहीं बन पाता। इस देश के अंदर आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, जज बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, यहाँ तक कि मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सब संविधान के अनुसार बनते हैं। मगर जो जिसके अनुसार बनते हैं वो उसको ही खत्म करना चाहते हैं। ये तानाशाह सरकार, ये सुन लो तानाशाह सरकार, कि अब रुकने वाले लोग नहीं है,
ये सिलसिला शुरू हो चुका है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ये सीए तो वापिस होगा। धर्म के नाम पर कोई भी कानून इस देश के अंदर नहीं बनेगा, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। साथियों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। साथियों श्री प्रकाश अम्बेडकर जी, यहाँ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेरे साथियों, आज जो गुजर रहा हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अगर कानून संविधान के खिलाफ बना रहे हैं, अगर आप पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हो सकता है लेकिन लोगों में मेजॉरिटी ये कानून के खिलाफ है, लोगों का मेजॉरिटी सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ है, और अगर सरकार देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं तो यहाँ देश के लोग ये मंजूर नहीं करेगा। और इसलिए शाहीन बाग और अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आज हम इकट्ठे हुए हैं एक प्रकार का संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, एक नया स्वतंत्रता की लड़ाई जैसा एक दूसरा स्वतंत्रता की लड़ाई हमें लड़ना है इस देश को बचाने के लिए, हमारा संविधान को बचाने के लिए। और इसलिए आज हम सब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस सीए, एनआरसी, एनपीआर को विरोध करने के लिए। तो आज मैं सभी लोगों को आह्वान देना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग आए हुए हैं, आप जाइए अपने अपने जगह में प्रोटेस्ट कर दीजिए, विरोध कर दीजिए। एनपीआर और एनआरसी जो कुछ जो सरकार करना चाहते हैं इसको विरोध कर दीजिए, और इस लड़ाई से, प्रोटेस्ट से, मीटिंग से, सेमिनार से, प्रोटेस्ट से हम पार्लियामेंट को, देश को और सरकार को बता सकते हैं कि हम सब जो संविधान में लिखा है, हम भारत के लोग इस सीएए, एनपीआर और एनआरसी को विरोध कर रहे हैं, और हम इसमें भाग नहीं लेंगे। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रहना चाहते हैं हमारा देश को बचाने के लिए, हमारा संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है इसको हमें मंजूर है, और सिर्फ संविधान में जो हमें न्याय दिलाता है, हमें स्वतंत्रता दिलाता है, हमको भाईचारा दिलाता है, तो यही मूल्यों के ऊपर हमारा देश चलाना चाहिए। और हम पार्लियामेंटेरियंस को हम आह्वान देना चाहते हैं कि संविधान के ही अनुसार, संविधान के मूल्यों के अनुसार ही कानून बनाना चाहिए। अगर पार्लियामेंट संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाते हैं कि हम सब लोग विरोध करेंगे। जय भीम, जय भारत। और सांसद महोदय, जय भीम। साथियों, मैं उत्तराखंड से आया हूँ और पसमानदा, गरीब और दलित लोगों के साथ पिछले 40 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने अभी पिछले दिनों प्रमोशन में रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला उलट दिया। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अभी जो एनआरसी की बात है, सीएए की बात है, वो सब पर भारी है। अगर इस पर बात की जाए तो सारे इश्यूज जो यहाँ के दलित, पिछड़े, पसमानदा हैं, गरीब लोग हैं,
उनके अस्तित्व का सवाल CAA पर है। सभी लोगों ने बातचीत करी है CAA पर। मैं कुछ बातें करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो CAA के सपोर्टर हैं, मीडिया में हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ दो तीन बातें उनके लिए कहना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं, जो CAA के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा, या कुछ कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास ज़मीन के डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट हैं, उसके डॉक्यूमेंट हैं, हम यहाँ पर कदीमी रहने वाले हैं, हमको कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं दो तीन बातें उनको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये शिक्षा की जो अलग बाबा साहब ने जलाई है, इससे पहले आप लोगों के नाम जो हुआ करते थे, आपके बाप दादाओं के नाम जो हुआ करते थे, वो अब जैसे नहीं थे। आपके नाम जो उस टाइम हुआ करते थे आज बदल गए हैं। तो जो डॉक्यूमेंट, ज़मीन का डॉक्यूमेंट आपके नथू, बुद्धू, पनिया, दगड़ू, फकीरे के नाम से था, होता था, उससे आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि आपके दादा का नाम फकीर सिंह था या जोधा सिंह था या कुछ और नाम था, क्योंकि तब नाम कुछ और हुआ करते थे और अब नाम कुछ और हैं। उससे आप ऐसे करीब 10% लोग CAA के आने के बाद अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि दगड़ू फकीरे या बुद्धू फकीरे हमारे दादा या हमारे आबा अजदाद थे। ये षड्यंत्र है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा संभव नहीं है कि आप बहुत अपने आप की आपकी नागरिकता सिद्ध कर दें। दूसरी बात, मेरे साथी हमें महेश धोनिया जी ने मुझको याद दिलाई कि दलित लोगों को नाम रखने का अधिकार नहीं हुआ करता था, उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ करता था। वो नाम जो रखते थे उसके नाम बिगाड़ा करते थे, सवर्ण समाज के लोग नाम बिगाड़ा करते थे। जो अपर कास्ट के मुसलमान हुआ करते थे, अगर उसका नाम रमज़ान होता तो रमज़ान ही कहा करते थे, कभी भी सही नाम ही करते थे। उसका नाम पीर हुआ, पीर मोहम्मद होता था तो उसे कहते पीरुआ कहाँ किया, तो वही नाम डॉक्यूमेंट में दर्ज हुआ जाया करता था। आज जो पीर मोहम्मद साहब हैं के पोते साहब हैं, वहाँ जामा मस्जिद के इलाके में, वो ये प्रूव नहीं कर सकते कि उनके दादा के नाम पर जो जायदाद पीरों के नाम से चढ़ी हुई है वो उनके दादा थे। तो इस तरह ये CAA और NCR जो NRC है, ये दलित लोगों के, गरीब लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तुर्कमान गेट पर एक महिला ने, जो आंदोलनकारी महिला ने परसों बात बताई, उसने कहा कि जब तुर्कमान गेट पे जगमोहन ने बुलडोजर चलवाया, आग लगवाई, तब हम अपनी जान बचाते या अपने डॉक्यूमेंट बचाते। ऐसे ही पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें लोग अपनी जान बचाएं या अपने डॉक्यूमेंट बचाएं। इस तरह ये डॉक्यूमेंट का जो लफड़ा है, ये डॉक्यूमेंट का जो तर्क दिया जाता है, वो कतई लाभकारी नहीं है, उनके लिए भी नहीं है जो CAA के समर्थक भी हैं। तो मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है कि जो CAA का इस आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट है, हम जीत जाएंगे या हम नागरिक हो जाएंगे, तो संभव नहीं है। और अंतिम बात में ये कहना चाहूँगा कि ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में भी 20% नाम गलत होते हैं, इस आधार पर भी आप CAA पर काम नहीं कर पाएंगे और आप अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आपने मुझे भूलने का टाइम दिया, धन्यवाद। सुनाएंगे जरा जय भीम, 2 मिनट में बात करना है मुझे फटाफट। तो सुनिए कि NRC CAA NPR से मुसलमान आहत है, 40% हिंदू आदिवासी भटके विमुख जो रस्तों पे जीते हैं, ये सब आहत है, और उनकी लाइफ में क्या चल होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, उनके डॉक्यूमेंट्री इशू क्या होने वाले हैं, उनके लीगल क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, ये सब के बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। मैं वो सब बातें रिपीट नहीं करूँगी। मैं जिस तबके से आती हूँ वो हिजड़ा कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कहते हैं जिसे, पढ़े लिखे लोग, उस कम्युनिटी में
क्या इशू होने वाला है इसका मैं बताती हूँ। आसाम में जो एनआरसी लिस्ट निकाला गया उसमें 2000 हिजड़ों के नाम नहीं है। अब ये 2000 हिजड़े कहाँ भेजे जाएंगे? इस देश में 2014 तक हम एक खुले डिटेंशन कैंप में जी रहे थे। हमारे पास में कोई वोटर आईडी नहीं था, कोई रेशन कार्ड नहीं था, कोई इस देश की नागरिकता का प्रूफ नहीं था। हम इस देश में पैदा हुए लेकिन भारतीय नहीं थे। 2014 को बहुत लड़ने के बाद में हमें नागरिकता दी गई। अगर हमें 2014 में नागरिकता मिलती है तो हम कहाँ से लाएंगे 50, 70, 60, 2000 के का डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लाएंगे? अभी तक 100% ट्रांसजेंडर्स का में रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है, उनकी जनगणना भी नहीं हुई है। 100% ट्रांसजेंडर के पास में वोटर आईडी भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है, उनके पास में घर नहीं है, उनके पास में आज भी भीख मांगने की नौबत है। आज भी मेरा समुदाय रास्ते पे ताली बजा के भीख मांग के खा रहा है। हम कहाँ से कागज दिखाएंगे? और इस लड़ाई में आप सभी को मेरे साथ में खड़ा रहना होगा और मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगी। और हम सबको इस साथ में मिलकर इस देश की सबरंग संस्कृति को जिंदा रखना है, देश के संविधान को बचाना है, इस देश के मानवतावादी संस्कारों को बचाना है। और इसके लिए हमें बाबा साहब अंबेडकर और इस देश का संविधान, ये दो ही हमारे हथियार हो गए, हमारी कलम हमारी जबान इस जंग में हमारी ढाल का काम करेगी। और ये सब लेके हम लड़ने वाले हैं। और इसमें उन्होंने कहा है, शाह जी ने कहा है, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम डटे रहेंगे। जय भीम। इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का मुझे मौका दिया है। और अखिल भारतीय आदिवासी अधिकार अभियान की ओर से हम हमेशा से इस तरह के अमानवीय कानून, जो नागरिकता संशोधन कानून है, उसका हम विरोध पुरजोर स्थिति से पूरे देश भर में करते आ रहे हैं। साथियों, बहुत संक्षेप में मैं बात रखना चाहूँगा। आदिवासियों को इस देश का प्रथम इंसान माना जाता है, फर्स्ट पीपल। हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हुए स्वशासन और किस तरह से एक इंसानी भावना के साथ जो है इस देश की रूपरेखा कैसी हो उसकी उसका फाउंडेशन रखा, इसलिए हम उन्हें धरती आबा कहते हैं। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए पूरे देश के आदिवासी किस तरह से जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा देश सेवा मुझको नहीं लगता है कि और कोई हो सकता है। यदि इस देश का पर किसी का नैतिक हक बनता है तो वो पूरे आदिवासी समाज का बनता है, जिन्होंने इस देश को जो है एक इंसानियत का पाठ देते हुए, प्रकृति को बचाते हुए और किस तरह से मेल जोल के साथ रहते हुए आगे बढ़ना है, इसका सीख दिया है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर के हैरत होगा कि इस देश में डिटेंशन कैंप में यदि किसी को सबसे पहले जान गंवाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी एक आदिवासी था, पूना मुंडा। ये एक विडंबना है, ये इस देश की विडंबना है कि जिसने इस देश को एक एक भावना के साथ इस देश की ज़मीन के से प्यार करते हुए इस देश को जो आज है उसकी रूपरेखा बनाने में मदद की थी, वो उसी का एक आदिवासी
सदस्य जो है आसाम के डिटेंशन कैंप में पहली बार पहला सबसे पहला जो है शहीद हुआ पूना मुंडा। आज यदि नागरिकता संशोधन कानून से यदि किसी समुदाय को सबसे बड़ा खतरा है तो वो आदिवासी समुदाय को है। क्यों है? आप लोगों को पता होगा पिछले वर्ष फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 23 लाख आदिवासी परिवारों को उनके कागज ना होने के कारण उनके पुश्तैनी जमीन से बेदखल होने का निर्णय दिया था। आज तक ये जो आदिवासी परिवार हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि किस तरह से वो जो है अपने इस ज़मीन से जुड़े होने का सबूत कागज के रूप में दे सकें। आज देश में न सिर्फ ये 23 लाख आदिवासी परिवार जिनके पास कागज ना होने के कारण उनको बेदखली का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि मैं ये भी बता दूं कि इस देश में करीब 5.5 करोड़ आदिवासी ऐसे हैं जिनके पास उनके होने का कोई कागजी सबूत नहीं है। इसलिए यदि नागरिकता संशोधन कानून से किसी समुदाय को सबसे बड़ा नुकसान होना है तो वो आदिवासी समुदाय का होना है, और इसलिए आज समय की ज़रूरत है कि देश के जितने हाशिए पर खड़े समुदाय हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, दलित हैं, घुमंतु जनजाति हैं, अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, उन सबको एकजुट होकर के इस अमानवीय कानून का विरोध करना और इस कानून को परास्त करना इस देश के प्रति हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। और इसलिए इस लड़ाई में सारे आदिवासी भाई बहन आप लोगों के साथ कतार कतार मिला करके कंधे से कंधा मिला के खड़े नजर आएंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जोहार। देश से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए NB News को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।